हर हर महादेव, ओम काली। तो आज के वीडियो में सभी भक्तजनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं योगी आनंद, शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार से। तो वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि हमारे आज के वीडियो का जो है टॉपिक क्या है। यदि आपका कोई कार्य अटक गया है, कोई कार्य बिगड़ रहा है, बनते बनते आपके काम बिगड़ जाते हैं, आपका कोई काम लंबे समय से अटका पड़ा है, रुका पड़ा है और वह हो नहीं रहा है, जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं, इधर उधर आप चक्कर भी काटते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम हनुमान जी की यह शक्तिशाली साधना लेकर आए हैं, जिसको करने से आपके जीवन में जो भी कार्य रुका हुआ है, अटका हुआ है, वह पूरा हो जाता है। यह कार्य आपके जीवन से संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है, जैसे आपकी नौकरी में रुकावट, व्यापार में रुकावट, कहीं पर आपका धन फंस गया है, या आपकी पैसे किसी ने उधार लिए हैं वो दे नहीं रहा है, या आपकी प्रॉपर्टी में कोई विवाद हो गया है, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई पुलिस का केस बन गया है आपके ऊपर, झूठा कोई मुकदमा आपके ऊपर करा दिया गया है, या आपके परिवार का सदस्य कोई चला गया है घर छोड़कर, तो इस तरह के आपका कोई भी कार्य, किसी भी संबंधित कार्य जो अटक गया है, उसके लिए यह साधना हम आपको लेकर आए हैं। यह साधना आपको 7 मंगलवार करनी है। प्रत्येक मंगलवार आपको हनुमान मंदिर जाना है और यह साधना करनी है। इस साधना में लगभग सभी चीज़ें आपके घर से ही उपलब्ध होंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे जो भगत जन हैं, जो परेशानी में हैं, जिनके काम अटके हुए हैं, उनके पास पैसे की भी थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि उनके कारोबार या नौकरी पर दिक्कत है, तो वो परेशान भी हैं, इसलिए वो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी साधना लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल आप मुफ्त में कर सकते हैं और अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें आपको हनुमंत वीर की, हमारे बाबा बालाजी की लगभग 90% आपके कार्य में मदद मिलती है। आप में वो आत्मबल आता है, आप में आत्मविश्वास आता है और आपको उस कार्य को करने का रास्ता सुझाई देता है। वह किसी भी रूप में आपको सुझाई दे, आपको स्वप्न में कोई अनुभूति हो, या आपको कोई आवाज़ सुनाई दे, या आपके मन के अंदर से ही, आपके अंतर्मन से कोई आवाज़ उठे कि इस तरह से यह कार्य सिद्ध होगा, तो आपको उसी रास्ते से यह कार्य कर देना है, आपका कार्य सफल हो जाएगा। चलिए अब हम साधना की बात करते हैं। मंगलवार के दिन आपको सुबह उठना है, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको करना क्या है, आपको 5 चूरमे के लड्डू बना लेने हैं। उसमें शक्कर, चीनी या गुड़ आप मिला सकते हैं। उसके अलावा आप एक लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, उसमें 2-3 चम्मच दूध डालिए, आप एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी शक्कर, चीनी, मीठा कुछ भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, 2 बूंद उसमें आप घी की डालिए, 2 बूंद उसमें सरसों के तेल की डालिए और इसको तैयार कर लीजिए। या आप किसी पूजा की दुकान से पक्की धार भी ला सकते हैं, वह 5-10 रुपए की आपको मिल जाएगी, वो बनी बनाई होती है, उसको सिर्फ पानी में आपको मिलाना होगा, तो वो ले आइए। यह करने के बाद अब आपको 5 अगरबत्ती लेनी है, 1 घी का आपको दीपक ले लेना है और उसके अलावा आपको 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा सिंदूर और तिल का तेल ले लेना है। इस सभी सामान को लेने के बाद आप हनुमान मंदिर में चले जाइए और सबसे पहले वहाँ जो पीपल का पेड़ है, वहाँ पे उस जल के लोटे को आप सींच दीजिए, उस पीपल के पेड़ को, और 5 अगरबत्ती वहाँ जलाइए, 2 वहाँ पे आप लड्डू रख दीजिए, जो कि लड्डू आपने चूरमे के बनाए हैं। इसके अलावा जो लौंग इलायची है वह रख दीजिए, अगरबत्तियों को जला दीजिए, लोटे की पक्की धार आप उस पीपल के पेड़ में दे दीजिए और यह देने के बाद आप हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे ब्रह्मदेव, मैं फला कार्य के लिए हनुमान जी की साधना करने के लिए आया हूँ और लगातार मैं 7 मंगलवार तक यह कार्य करूँगा,
तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में ब्रह्म रहते हैं, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, उनके सेवक होते हैं, उनके दास होते हैं, तो सर्वप्रथम उनको ही आप मना लीजिए, ताकि आपकी साधना में कोई विघ्न न आए और आपको आपकी साधना की जो सिद्धि है वह मिल सके। उसके बाद आप हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष चले जाइए। वहाँ पर जाने के बाद सर्वप्रथम आप बैठ जाइए, बैठकर आंखें बंद करके आप अपने गुरु का ध्यान कीजिए, अपने गुरु को नमस्कार कीजिए और उनसे इस साधना के लिए आज्ञा लीजिए। फिर अपनी कुल देवी की जो है आप ध्यान कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, उनसे आज्ञा लीजिए। अपने पितर देव हैं उनसे आप इसके लिए आज्ञा ले लीजिए। अब आप गणेश जी का स्मरण करके हनुमान जी के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे अपने कार्य के विषय में कहें कि हे हनुमान जी, मेरे कार्य के ऐसे ऐसे अटका पड़ा है, कोई कोर्ट केस है या कोई और कार्य अटका पड़ा है जो कि काफ़ी दिन से सीधा नहीं हो रहा है, कृपा मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी साधना करूँगा, 7 मंगलवार तक आपकी साधना करूँगा, आप इसको सफल बनाइए। ऐसा कहकर आप वो दीपक जो है वो हनुमान जी के समक्ष लगा दीजिए घी का, और जो 2 लड्डू हैं चूरमे के वह आप भोग के रूप में हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो सिंदूर और तिल का तेल था उसको आप मिला लीजिए और उससे हनुमान जी की जो तस्वीर है उसके ऊपर टिक्का कर दीजिए या चोला चढ़ा दीजिए, आपके पास जैसा भी आपकी अक्षमता है तो आप पूरे हनुमान जी पर भी लगा सकते हैं, अगर अक्षमता आपकी कम है तो आप केवल एक टिक्का कर सकते हैं। यह करने के बाद आप हाथ जोड़ लीजिए और हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके समक्ष बैठ जाइए। उसके समक्ष बैठ जाने के बाद आपको इस चौपाई का, जो हनुमान चालीसा की ये चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ, इसका 108 बार जाप करना है। तो चौपाई कौन सी है यह सुन लीजिए। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। तो यह हनुमान चालीसा की चौपाई है, इसका आपको 108 बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से जाप करना है। इसका जाप करने के बाद आप मंदिर से उठ लीजिए और हनुमान जी को नमस्कार कीजिए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए और अपने घर लौट आइए और आप अपने कार्य कीजिए। यह एक बेहद शक्तिशाली साधना है हनुमान जी की। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। इसका अर्थ है, हे श्री राम भगत हनुमान, आपका आशीर्वाद होने से संसार के सभी दुर्गम कार्य जो हैं, जो मुश्किल कार्य है, वह भी आसान हो जाते हैं। तो इस चौपाई का यह अर्थ है। इसका आप 108 बार जाप कीजिए पूर्ण श्रद्धा से। ऐसा आपको लगातार 7 मंगलवार तक करना है। यह जो विधि मैंने बताई है यह पूरे 7 मंगलवार आप कीजिए, आपकी साधना पूरी हो जाती है तो आपका कार्य लगभग वह बन जाता है। आप देखना, आप हनुमान जी यदि आपके इष्ट हैं, आपकी उसमें पूर्ण श्रद्धा है और आपने पूर्ण समर्पण से यह कार्य किया है तो आपको 7 मंगलवार में इसका रिजल्ट मिलेगा। बीच में आपको रास्ता भी हनुमान जी सुझाएंगे कि यह कार्य इस तरह से होगा, आपको यह यत्न करना होगा, यह प्रयत्न करना होगा या अपनी जो नीति है उसमें कुछ बदलाव करना होगा, तो यह सुजेशन, यह सुझाव आपको स्वयं हनुमान जी की तरफ से आएगा। तो आप उसी तरह से इस कार्य को कीजिए, आपको अपने जीवन में उस अटके हुए कार्य में, उस रुके हुए कार्य में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, ऐसा आप पक्का विश्वास कर लीजिए। क्योंकि हनुमान जी कलयुग में ऐसे जागृत देवता है जो कि किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपके कार्य को रोक सकती है होने से, वह आप स्वयं हो। यदि आप पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से इस साधना को नहीं करते हैं और जो आपको सुझाव हनुमान जी की तरफ से प्राप्त होता है आप उसको जू का तू प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका कार्य नहीं बनेगा। वरना कोई कारण नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि आपका यह कार्य न बने। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। जय श्री राम भगत हनुमान। जय श्री राम भगत हनुमान। जय श्री राम भगत हनुमान।